रोज बसती है। पहले यहाँ पंजाब से लोग आए, फिर हरियाणा से, पड़ोस के लोग राज्यों के लोग आए, फिर तमिलनाडु से और फिर बिहार और उत्तराखंड से। इन प्रदेशों के लोगों ने दिल्ली में अपने लिए खूब जगह बनाई, दिल्ली के लिए भी सुंदर जगह बनाई। एक प्रदेश ऐसा है जो धीरे धीरे अपनी मेहनत से उभर रहा है। आप दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर जाएंगे तो वहाँ उड़ीसा के लोग काफ़ी मिलेंगे, बल्कि कोटला मुबारक के पीछे खूबसूरत जगन्नाथ मंदिर है, बहुत सुंदर, और वहाँ शानदार जगन्नाथ यात्रा निकलती है तालकटोरा स्टेडियम के पीछे। मुझे लगता है कि दिल्ली के स्तर पर कामयाबी के किस्से, अब दिल्ली के स्तर पर कामयाबी के किस्से उड़ीसा के मेहनती लोगों से आने वाले हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में। सुशील महापात्रा हमारे सहयोगी हैं और उड़ीसा के भी हैं। पिछले दिनों इंडिया गेट पर उन्हें उड़ीसा दिखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और छुट्टी के दिन चले गए रिकॉर्डिंग करने, तो फिर मैं कौन होता हूँ प्राइम टाइम में उड़ीसा को आने से रोकने वाला। तो आप भी देखिए। ये कलिंग की लय है, ये बोलांगीर के किसानों का नृत्य है, गरीबी भी इनका नृत्य इनसे नहीं छीन सकी है। कलिंग लोक नृत्य का अपना अलग अंदाज है। कलंगा डांस हमारा कलंगा जात जो परंपरा है, रीति रिवाज का ये डांस है उड़ीसा में। और हमारा जो गांव है ये सब खेती किसानी लोग हैं, किसी के परिवार लोग ये जब नहीं करते हैं। तो ये जो गांव है आप लोग की, क्या ये डेवलप गांव है या ये अंडर डेवलप गांव है? क्या यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर रास्ते हैं, बस चलते हैं, या ये अंडर डेवलप गांव है? नहीं, डेवलप थोड़ा सा हुआ रहा है, गाँव का रास्ता भी है, बिजली भी है, लेकिन वो जो है वाटर का समस्या ज़्यादा है और एजुकेशन टोटली ढीला है। नहीं है, हाँ पूरा ढीला है। वो पाँचवीं क्लास है गांव में, अरे एक ही टीचर रहते हैं, गांव को कोई भी स्टूडेंट ऐसे पढ़ाई में बड़ी दिक्कत हो रहा है। और ये ठाकुर लोक नृत्य है, कंधमाल जिले के मजदूरों, किसानों के पसीने और उनकी मेहनत से रचा और सिंचा हुआ। ये ठाकुर नृत्य बोलते हैं हमारे उड़ीसा में, और ये हमारा कंधमाल का आदिवासी नृत्य है। और इस नृत्य के माना जाता है, इस नृत्य में हम लोग जो हमारे पूर्व पूज्य लोग हैं जो उनको हम स्मरण करते हैं। इस नृत्य के जरिए ही आप अपना जीविका जो है वो निर्वाह करते हैं या इसके सिवा आप कोई दूसरा काम भी करते हैं? हम लोग तो बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन वहाँ का रीति रिवाज ये है कि हम सुबह सवेरे हमारे खेती बाड़ी में करते हैं काम, उसके बाद जो भी हमारे बिरादरी में कोई सर्विस करता है और जो सर्विस नहीं करता है इसे ही काम में लग जाते हैं। हर शाम को हम त्यौहार बनाते हैं, हर रोज़ बाजा के साथ ऐसा चलता है। अब उड़ीसा में कोई डेवलप हुआ है क्या? अब आप लोग को लगता है कि आपके लिए उड़ीसा में बहुत कुछ है या काम है जो आप कर सकते हैं? हमारे उड़ीसा में हम गरीब लोगों के लिए कुछ रोजगारी के लिए सरकार कुछ करता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम लोगों को होना चाहिए था। दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कोरापुट की महिलाएं जब इस लय में होती हैं तो जैसे दुनिया उनके पांवों से बंध जाती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सबने देखा ये करिश्मा। ओडिशा की ये समृद्ध विरासत लोक नृत्यों में ही नहीं, हस्तशिल्प में भी नजर आती है। कोरापुट का ये परिवार पुरखों की विरासत को संभाले हुए है। पति पत्नी मिलकर 6000 रुपए से 8000 तक कमा पाते हैं, लेकिन परंपरा छोड़ने को तैयार नहीं। तो हम लोग परंपरा का चीज है, हमारा जो बाप दादी का पहले से हम बनाते हैं, तो हम भी सीख के काम को हम करते हैं। तो दोनों को रोज रोटी दिन का मिल जाता है, तो एक महीना में कम से कम 6-7 हज़ार 5 हज़ार ऐसे मिलता है। तो आप इस परंपरा को जो है बचा के रखना चाहते हैं? हम बचा के रखना चाहते हैं। तो अभी और 10 लेडीज को और 10 जेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और सवाई घास की ये अनूठी चटाई देखिए, ओडिशा के पीपली से आए हैं ये लोग। हमारा चीज जो भी है दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब ये कल्चर जो कल्चरल जो हैंडीक्राफ्ट जो है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हैंडीक्राफ्ट का चीज़ है, ये बेडशीट है, ये पूरी सामान जो है लोग हाथ से बनाए हैं। और ये हैं संबलपुर की साड़ियाँ, हालांकि जीएसटी की मार इनके कारोबार पर भी पड़ी है।
पहले देखिए 3 बार रेट हाई हो चुका है। पहले धागे में मटेरियल में सभी टैक्स लगा जीएसटी लगा, उसके बाद कलर्स में जो डाइंग करते हैं उसमें लगा, उसके बाद साड़ी निकलने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है जीएसटी। तो कितने परसेंट जो है दाम बढ़ गए होंगे लगभग जीएसटी? लगभग 15-16% बढ़ गए, दाम बढ़ गया। तो इस पर इम्पैक्ट हुआ, लोग कम खरीद रहे हैं, आपका बिजनेस कम हो रहा है? हाँ, तो हो रहा है। मटेरियल का प्राइस है ना, वो जो कपड़ा पे आता है उसके ऊपर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया। हम जिससे खरीद दें उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो हम अल्टीमेटली हमको मतलब अपना प्राइस टैक्स उसको टैक्स देके हम खरीदते हैं, तो जो बेचेंगे उसको बना के बेचेंगे तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, तो एडजस्ट तो करना है। हाँ, इसीलिए अल्टीमेटली वो कस्टमर के ऊपर ही पड़ जाता है, जो भी खरीदने आता है हमारा हैंडीक्राफ्ट, जो भी कपड़े के ऊपर खरीदने आता है अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट था पहले, उसके ऊपर इतना कुछ टैक्स नहीं था, सेल टैक्स इतना नहीं था, अब जीएसटी की वजह से ये पड़ रहा है। दिल्ली में दिखा ये छोटा सा ओडिशा याद दिलाता रहा कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और उसे हम किस तरह जाया होने दे रहे हैं। अगर इस बार आप ओडिशा का ये सब मिस कर गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, अगले साल भी आपको ये सब चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि अगले साल भी यहाँ पर ओडिशा पर्व होने वाला है। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर अगले साल यहाँ पर आना चाहिए और ओडिशा के इस लोक नृत्य के साथ साथ खान पान और उसके साथ जो कल्चर है उसको एंजॉय करना चाहिए। मेरा सहयोगी करमवीर सिंह चिकारा के साथ मैं सुशील कुमार महापात्रा, NDTV इंडिया।